और मेरे को ये एक चीज भी इस वाले फोन में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब भाई कि आप 10,000 रुपया दे रहे हो और 10 अभी कैसे हो आप सब, ये है हमारे पास Realme C33। और अगर आप इस वाले फोन को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। इस फोन में आपको क्या अच्छा मिलता है, क्या खराब मिलता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और इस फोन को हम ऑलमोस्ट 1 मंथ से यूज कर रहे हैं और इस बीच हमने इसमें गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट, स्पीड टेस्ट, सारी वीडियो कर रखी है। तो ओवरऑल जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है इस वाले फोन को, वो हम आपको एक साथ बताएंगे इस वीडियो में। तो काइंड ऑफ यू आप इसे फुल रिव्यू समझ सकते हो और इसमें हम आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन भेज देंगे कि आपको इस वाले फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो उससे पहले भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना। तो चलो, इसकी बिल्ड क्वालिटी लोग कह रहे कि काफी अच्छी है, बट मेरे को यहाँ पे जैसा मेरे यूजर्स में समझ में आया, जो बैक पैनल है वो चीप क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करी गई है, जो बैक पैनल है वो दबता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक चीज क्लियर कहूंगा कि भाई इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है और लोग इसको डिजाइन के ऊपर भी लेंगे। वेल बात करें डिस्प्ले की, इस वाले फोन में आपको एक 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले लगी हुई मिलती है, 400 हर्ट्ज की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो HD प्लस डिस्प्ले है, लेकिन जो पैनल है वो अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करा गया है। यहाँ पे मेरे को पिक्सेलेशन दिखती है डिस्प्ले के अंदर, मैंने लाइन बाय लाइन रख कर देखा था 720p वाली डिस्प्ले के साथ, तो भाई इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी थी मेरे को अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे पिक्सेलेशन साफ साफ नजर आता है भाई। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि भाई डिस्प्ले थोड़ा और ज्यादा बेटर हो सकता था, डिस्प्ले की क्वालिटी उतनी खास नहीं है। खैर बात करें कैमरे की, भाई इस वाले फोन में डुअल कैमरा का सेटअप है, जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का है और 0.3 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमने फोटोज वगैरह ली है, जो प्राइमरी सेंसर है वो एक्चुअल काफी अच्छा वर्क करता है, काफी अच्छी डिटेलिंग कैप्चर करता है, इवन लाइट कंट्रोल भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे में 5 मेगापिक्सल की सेल्फी यूज करी गई है, तो अगर आप सेल्फी में HDR मोड ऑन करके फोटो लेते हो तो वहां पे आपको अच्छी खासी फोटोज देखने को मिल जाती है, बट विदाउट HDR फोटो लोगे आप तो वहां पे आपको बिल्कुल भी लाइट कंट्रोल जो है वो अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल मेरे को जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो काफी सही लगा प्राइस रेंज के हिसाब से, बट जो सेल्फी कैमरा है और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस पे काम करा गया है वो बिल्कुल ही यूजलेस है। खैर अब बात करते हैं इसकी बैटरी इमेज की, 5000mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है, बॉक्स में आपको 10W का चार्जर देखने को मिलता है। और अगर आप भाई 10W के फास्ट चार्जर से फोन को चार्ज करने जाओ तो भाई 4 घंटा लगता है फोन को चार्ज होने में। तो यहाँ पे ये एक चीज है कि चार्जिंग टाइम कुछ ज्यादा ही है, लेकिन बैकअप आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी है तो लॉन्ग टर्म तक चल जाता है इसकी बैटरी। और बात करें प्रोसेसर की, इसमें यूनिसॉक्स T6 12 का प्रोसेसर है, जो कि भाई LPDDR4X RAM UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ आता है। और यही एक चीज मेरे को इस वाले फोन में काफी ज्यादा इंप्रेस करा, स्टोरेज स्पीड काफी अच्छी दे रखी है, तो ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग में आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इवन भाई इसकी मैंने अंतुतु स्कोर निकाली थी, 2 लाख के प्लस अंतुतु स्कोर निकल के आती है और हीटिंग वगैरह भी काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, तो परफॉर्मेंस नो डाउट भाई वहां पे आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि नॉर्मल यूजर्स के लिए भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी तगड़ी देखने को मिली मेरे को। वेल इसकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे को थोड़ा बहुत कचरा देखने को मिला था जिनको मैंने निकाल दिया, बट ओवरऑल देखा जाए तो भाई स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील देने की कोशिश करी गई है। ये जो फोन है रियलमी के S एडिशन पे आता है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं भाई ये जो एक चीज है कि एकदम यूजर फ्रेंडली बनाया गया है इसको, तो ये काफी सही लगा मेरे को। और मेरे को ये एक चीज भी इस वाले फोन में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब भाई कि आप 10,000 रुपया दे रहे हो और 10,000 के रेंज में आपको यार माइक्रो USB पोर्ट दे रहे हैं, जबकि सब ब्रांड भाई आपको USB पोर्ट देते हैं, तो इसमें USB पोर्ट होना चाहिए था। सिंगल स्पीकर है, स्पीकर की लाउडनेस मेरे को अच्छी लगी, इसमें नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है, और ये भी कहीं होता तो सही था, मतलब सब कुछ तो नहीं दे सकता आप कोई भी ब्रांड, तो नैया डूब जाएगी उसकी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, इसको मैं फास्ट नहीं कहूंगा लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा क्विक है। बाकी दोस्तों इस वाले फोन में आपको GPS, ब्लूटूथ, वाईफाई, जो भी आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं प्रो एंड कॉन्स की बात करूं, मेरे को क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा, तो सबसे पहली बात तो भाई देखो मेरे को इस वाले फोन का डिस्प्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई। दूसरी कमी भाई, इस वाले फोन में माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है भाई, बाकी 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5 मेगापिक्सल को हटाकर 8 मेगापिक्सल का कर देते हैं तो वो काफी ज्यादा बेटर था। और दोस्तों अगर
चार्जिंग स्पीड 10 वोल्ट को छोड़ के 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दे देते तो वो भी काफी सही था। बट इतना कुछ अगर होता इस वाले फोन का तो फिर भाई 12,000 रुपया आपसे ये पैसा लेते हैं। देखा जाए तो इस वाले फोन में काफी कुछ अच्छा भी है, मतलब प्रोसेसर मेरे को काफी तगड़ा लगा, परफॉर्मेंस मेरे को काफी अच्छा निकाल के दिया, इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो भी मेरे को काफी इंप्रेस करा, और दोस्तों बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा और आपको एक यूजर फ्रेंडली यूआई देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी चीजें भी है इस वाले फोन में। बाकी मैं आपको इस वाले फोन को लेने और ना लेने के लिए दो ऑप्शन दूंगा। पहला तो ये कि अगर आप 10,000 में कोई स्मार्टफोन ले रहे हो या फिर आप इसकी तरफ देख रहे थे तो आप 2-3 हजार रुपया ऐड करके आप इससे बेटर ले सकते हो, या फिर आपका बजट सिर्फ 10,000 रुपया ही है। आपको मैंने जो चीज बताई कि इस वाले फोन में क्या है नहीं है, अगर आप उससे सर्टिफाइड हो तो आप ले सकते हो, अगर आप नहीं हो तो फिर आप भाई कुछ पैसा ऐड करो और उसके बाद दूसरा स्मार्टफोन ले सकते हो। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस वाले फोन के बारे में। बाकी भाई अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, हमारे यूजर नेम है टेक्नो आरजू। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना। मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।